नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे घर पर बाजार जैसे दानेदार स्वादिष्ट बेसन के लड्डू। तो इसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं तगार। हमने यहाँ ले लिया है एक कटोरी चीनी और इसमें ऐड कर देंगे एक तिहाई कटोरी पानी। चीनी को हम बराबर चलाते रहेंगे और इसका बना लेंगे हम चाशनी। लड्डू बनाने के लिए हम जितना बेसन लेंगे उतना ही चीनी उतना ही घी हमें सब बराबर मात्रा में लेना होता है। हम पिसी हुई चीनी नहीं डालेंगे, तगार बनाकर डालेंगे, इससे बेसन के लड्डू दानेदार होंगे। देख सकते हैं चाशनी गाढ़ी बन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच घी ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़े और लगातार चलाते रहेंगे। देख सकते हैं चाशनी गाढ़ी हो गई है और वाइट हो गई है। हम इसे लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। तगार अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। जो इसमें एक आध गुठलियाँ हैं उसे हम मोटी छन्नी से छान लेंगे। हमने कढ़ाई में डाल लिया है 1 चम्मच घी। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने यहाँ ले लिया 1 कटोरी घी, 1 कटोरी बेसन। अब कढ़ाई में हम आधा से ज़्यादा घी डाल देंगे और थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे। अब हम बेसन को कढ़ाई में डाल देंगे। गैस को लो मीडियम फ्लेम पर करके हम बेसन को धीरे धीरे अच्छे से भून लेंगे। लड्डू बनाने के लिए हमें मोटे तलवे का कढ़ाई लेना है और हम बेसन को लगातार चलाते रहेंगे ताकि बेसन तलवे पे पकड़ने नहीं पाए। लड्डू में अच्छा बाजार जैसे कलर लाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे धीरे धीरे लगातार भूनते रहेंगे। हमने बेसन को अच्छे से भून लिया है। फिर हम जो घी बचाकर रखे थे उसे डाल देंगे और बेसन अच्छे से खुशबू आने तक भूनेंगे। बेसन में से अच्छी खुशबू आने लगी है। दानेदार लड्डू बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देंगे। हमें अच्छे से चलाते रहना है जब तक पानी का झाग खत्म न हो जाए। दानेदार लड्डू बनाने के लिए हम मोटा वाला बेसन लेते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल बेसन लिए हैं तो पानी का छींटा मार करके दानेदार लड्डू बना सकते हैं। यहाँ हमने भी नॉर्मल बेसन यूज किया है। देख सकते हैं बेसन में अब दाने दिखने लगे हैं, पानी का झाग खत्म हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट और पिसी हुई छोटी इलायची। हमें घी कम लग रहा था इसलिए हम इसमें 1 स्पून घी और ऐड कर दिए हैं। अभी कढ़ाई बहुत गर्म है इसलिए हम लगातार चलाते रहेंगे। अगर हम बेसन लगातार नहीं चलाएंगे तले में बेसन डार्क हो जाएगा। अब हम बेसन को जल्दी ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। हमें गर्म बेसन में चीनी नहीं डालना है, हमें बेसन को ठंडा कर लेना है। हमें बेसन को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है कि उसे हम अच्छे से अंगुली से छू सकें। बेसन ठंडा हो गया है, अब हम इसमें डाल लेंगे तगार और अच्छे से मिला लेंगे। हमने अच्छे से बेसन को मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं कितना अच्छा दानादार लड्डू तैयार हुआ है। हम इसे हल्के हाथ से दबाते हुए लड्डू बना लेंगे। आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि कितना बढ़िया और स्वादिष्ट दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह हम एक एक करके सभी लड्डू बना लेंगे। अब हम आपको एक लड्डू तोड़कर दिखा रहे हैं।
देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ए बाजार के लड्डू से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।